बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम है तो हम खैरात करेंगे। पहले हम चावल बना लेंगे। पतीले में हम घी डालेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज का रंग सुनहरा हो चुका है। इसमें हम कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हम पतीले में डालेंगे। अब गोश्त पक चुका है। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। हमारे चावल 1 किलो हैं। इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे। इसमें उबाल आ चुका है। चावलों को हमने पानी में भिगो के रखा था। अब हम चावलों को पतीले में डालेंगे। अब चावल पक चुके हैं। अब हम इसे दम पर रखेंगे। अब हम दूध की लस्सी बना लेंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे। इसमें हम इलायची डालेंगे। चीनी हल हो चुकी है। इसमें हम दूध डालेंगे। इसमें हम बर्फ डालेंगे। अब दूध वाली लस्सी तैयार हो चुकी है। प्यालियों को हम पानी में धो लेंगे।
अब हमने प्यालियों को रख दिया है, इसे आधा घंटा हो चुका है और इसे हम दम से खोलेंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम चावलों को प्यालियों में डालेंगे। अब हमने प्यालियों में चावल डाल दिए हैं। दूसरी प्यालियों में हम दूध की लस्सी डालेंगे। ये प्यालियाँ हम बच्चों को बांटेंगे। मैं